بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں محمد عبداللہ شاہد. آج ہم لوگ فرسٹ ایئر کیمسٹری چیپٹر نمبر 3 جو کہ گیسز کا ہے اس میں سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کلیسیس کینیٹ کلیسیس کینیٹک ایکویشن. پریویسلی ہم لوگوں نے کینیٹک مالیکولر تھیوری آف گیسز ڈسکس کی تھی, اسی کے اندر سے ہم لوگوں نے پڑھا تھا کلیسیس نے اپنے جو کینیٹک مالیکولر تھیوری کے لیے ایکویشن ہے وہ ڈرائیو کیا. इक्वेशन बुनियादी तौर पर है PV is equal to 1 over 3 mL C root mean square velocity. Sorry, root mean अकेला mean square velocity है. अब बेटा यहां पर चीज क्या है, चीज यहां पे बुनियादी तौर के ऊपर ये है कि PV is equal to 1 over 3 mL C mean square velocity है. ये बेटा हम लोगों के थर्ड ईयर या जब हम आप लोग बीएस केमिस्ट्री में जाओगे तब हम लोग इसको पढ़ेंगे, इस इक्वेशन को वहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे. एक बड़ी लंबी चौड़ी डेरिवेशन है, तो इसकी डेरिवेशन कैसे हुई वहां पर करेंगे. हमारे सिलेबस के अंदर स्टैंड होगी ये इक्वेशन. अब यहां पर प्रेशर क्यों होता है, पी स्टैंड्स फॉर पी हियर स्टैंड्स फॉर प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. पी गैस के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर है. ये गैस के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर कब आया, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा कि गैस के मॉलिक्यूल्स हैपेंसडली मूव करते हैं, बेतरतीब अंदाज में हरकत करते हैं. जब वो हरकत करते हैं तो आपस में भी टकराते हैं, कंटेनर की दीवारों के साथ भी टकराते हैं. तो जब वो कंटेनर की दीवारों के साथ टकराते हैं तो वहां पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. यहां पर ये भी पी वही प्रेशर है जो कि गैस के पार्टिकल्स की कंटेनर की दीवारों के साथ कोलिजन की वजह से लगा. वो प्रेशर वी जो है ना, ये आएगा बेटा वॉल्यूम ऑफ गैस, जितना भी वॉल्यूम किसी भी गैस ने ऑक्यूपाई किया हुआ है. एम एम स्टैंड्स फॉर मोलर मास, मोलर मास ऑफ गैस. सॉरी एम ये कैपिटल वाला नहीं है, यहां पे एम स्मॉल वाला है. ये थोड़ा सा प्रोडक्शन करनी है हम लोगों ने, मोलर मास हम लोगों ने आगे देखना है. यहां पे समाल है, इधर भी समाल है. तो कैपिटल एम मोलर मास को जाहिर करता है, समाल एम जस्ट एंड ओनली मास को जाहिर करता है. ये जो समाल एम है ये बेटा जाहिर करेगा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, गैस के एक मॉलिक्यूल का जो मास होगा उसको समान है. समझो एम जो होगा ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. अगर हम लोग याद हो चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था समान है, समान है नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है. कैपिटल एन और कैपिटल ए हम लोगों ने पढ़ा था एवोगैड्रोस नंबर को जाहिर करता है, एन ए एवोगैड्रोस नंबर को, और कैपिटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि किसी भी गैस के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसको कैपिटल एन जाहिर करता है. और यहां पर सी है, सी जो होता है ना ये बेटा होता है वेलोसिटी. यहां पर सी वेलोसिटी को जाहिर करेगा, लेकिन इसके ऊपर ये बार लगा है. बार का मतलब क्या होगा, मीन और स्क्वायर. स्क्वायर तो हम लोग क्या लिखे, मीन स्क्वायर वेलोसिटी. मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होती है ना उसको हम लोग सी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के साथ ऐड करते हैं. फिजिक्स के अंदर हम लोग वी के साथ वेलोसिटी जाहिर करते हैं. केमिस्ट्री के अंदर ना हम लोग यहां पे सी के साथ या मी के साथ जो होगा वो इलास्ट्री जाहिर करेगा, क्योंकि ये जो की वी कैपिटल है ये बेटा वी कैपिटल जो लार्जर सब्सटेंसेस है बड़े सब्सटेंसेस है उनकी इलास्ट्री को जाहिर करता है, उनकी इलास्ट्री को रिप्रेजेंट करता है. सी और म्यू जो होता है ये स्मॉल पार्टिकल्स जो छोटे पार्टिकल्स हैं उनकी इलास्ट्री को रिप्रेजेंट करवाने के लिए सी या म्यू, जो बड़े सब्सटेंसेस है उनकी इलास्ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए वी हमको इस्तेमाल करते हैं.
ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू 1/3 एम एन सी रूट मीन स्क्वायर, वी लॉस्ट इट। अभी यहां पर आता है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है, कैसे मालूम करें? अब ये आ जाता है सी, ओहो सॉरी, इसको हम लोग इसके साथ मीन स्क्वायर वेलोसिटी। हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स इसमें मौजूद होंगे वो हैपाहेजर्डली मूव कर रहे हैं। जब बेटा वो हैपाहेजर्डली मूव कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ भी टकराते हैं, कंटेनर की दीवारों के साथ भी टकराते हैं। तो जब वो कंटेनर की दीवारों के साथ टकराएंगे या एक दूसरे के साथ टकराएंगे उनकी एनर्जीज एक जैसी नहीं रहती। जब एनर्जीज एक जैसी नहीं रहती तो उनकी वेलोसिटीज भी एक जैसी नहीं रहती। जैसे एक क्लास है, टीचर उसमें सेम पढ़ा रहे हैं, एक ही टाइम दे रहे हैं, सेम टाइम दे रहे हैं, सेम ही उसके अंदर टीचर पढ़ा रहे हैं, तो बेटा उस दौरान में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स कभी सभी के एक जैसे नहीं होते। ठीक है, तो यहां पर भी यही है, ये जो सिलेंडर है इसमें जो मॉलिक्यूल्स मौजूद है उनके जो वेलोसिटी है वो एक जैसी नहीं है। इसी बुनियाद के ऊपर कुछ पार्टिकल्स इसमें से ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी एक जैसी है, उन पार्टिकल्स को हम लोग जाहिर करेंगे एन वन के साथ। जिनकी वेलोसिटी एक जैसी है वो सी वन, फर्स्ट टाइप के पार्टिकल सी वन। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास में स्टूडेंट्स है 50, उसमें से हम लोग टेस्ट लिया 50 मार्क्स का, 50 में से कुछ स्टूडेंट्स जैसे 50 में से 5 स्टूडेंट्स ने 49 मार्क्स लिए, तो हम लोगों के पास सी वन क्या आएगा 49, एन वन क्या आएगा 5। तो यहां पर क्या है, एक तो वेलोसिटी जिनकी सेम है उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फिर और देखिए ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन टू, इनकी वेलोसिटी एक जैसी थी सी टू, यानी कि कुछ के 49 थे 5 स्टूडेंट्स के। इसी तरीके से कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है ना वो यहां पे आ गए फॉर एग्जाम्पल 45, तो जितने के 45 आए 45 हो गया सी टू और एन टू क्या है उनकी वेलोसिटी। फिर हम लोगों ने क्या किया बेटा, जितने इस तरीके से जितने भी पार्टिकल्स की वेलोसिटीज एक जितनी थी उनकी वेलोसिटीज और उनके जो पार्टिकल्स की तादाद है वो कैलकुलेट कर, उसकी कैलकुलेशन करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है मींस के वेलोसिटी है उसको मालूम करना है। तो ये चीज हम लोगों ने हमेशा जहन में रखनी है कि सी, मैंने ऊपर भी बयान किया सी अकेला अगर सी है तो अकेला सी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जब हम लोग उसके ऊपर ये बार लगा देंगे, ये मीन लगा देंगे, इसका मतलब क्या होगा एवरेज, औसत, एवरेज लेंगे हम लोगों ने। अगर आप लोग काइनेटिक एनर्जी के ई इसके ऊपर बार लगा दें वो भी मतलब क्या होगा एवरेज। तो यहां पर क्या है हम लोगों ने एवरेज लेनी है, तो एवरेज कैसे लेंगे, एवरेज कैसे लेंगे, सिर्फ अगर एवरेज यहां तक ले हम लोग तो क्या आएगा सी वन सी टू, सॉरी वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ पार्टिकल प्लस वेलोसिटी ऑफ सेकंड टाइप ऑफ पार्टिकल प्लस वेलोसिटी ऑफ थर्ड टाइप ऑफ पार्टिकल प्लस वेलोसिटी ऑफ फोर्थ टाइप ऑफ पार्टिकल, सो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ पार्टिकल प्लस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सेकंड टाइप ऑफ पार्टिकल्स दैट हैविंग सेम वेलोसिटी प्लस नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ थर्ड टाइप ऑफ पार्टिकल दैट हैव सेम वेलोसिटी प्लस फोर, सो यानी कि ऊपर लिख देंगे उन सभी की वेलोसिटी को, नीचे हम लोग क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ, या हम लोग इसको सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री सो डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, कैपिटल एन मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं उसके साथ भी डिवाइड कर सकते हैं, तो भी हमारे पास ये आता है। हम लोगों ने क्या किया है स्केयर वेलोसिटी ली है, मीन स्केयर वेलोसिटी ली हुई है, तो जब मीन स्केयर वेलोसिटी ली हुई है तो जो एवरेज है इसका स्केयर ले लेंगे, जब इसका स्केयर ले लेंगे तो अंदर मौजूद जितने भी वेलोसिटीज हैं उनका भी स्केयर, सी वन का स्केयर सी टू का स्केयर सी थ्री का स्केयर सो डिवाइडेड बाई, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी उसकी मीन स्केयर वेलोसिटी जो होती है ना वो आ जाती है कि टोटल वेलोसिटी उनकी कितनी आ रही होगी वो हम लोग यहां पे देखते हैं। ठीक है बेटा,
इसके बाद हमारे पास आती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या थी? ये सी मीन स्क्वायर और सॉरी मीन ये स्क्वायर, सी वेलोसिटी ये मीन ये उसका स्क्वायर हो गया। रूट रूट का मतलब क्या है उसका हम लोगों ने अंडर रूट स्क्वायर रूट जो है ना बोले सी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू 3 RT/m। सी इसको हम लोग लिख सकते हैं CRMS। आर स्टैंड फॉर रूट, एम स्टैंड फॉर मीन, एस स्टैंड फॉर स्क्वायर, सी स्टैंड फॉर वेलोसिटी। CRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं जो कि इक्वल आते हैं ना 3 RT/m। अब ये ड्राइव कैसे हुई? ये हम लोगों ने ना काइनेटिक इक्वेशन से ही ड्राइव की। ये ड्राइव कैसे की हम लोगों ने ना आगे इंशाल्लाह पढ़ना है, जब ग्राहम जनाब डिफ्यूजन विद काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पर इसको ड्राइव करेंगे कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो कैसे निकलती है, वहां पर इसकी डेफिनेशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी लेक्चर लेंथी हो जाएगा, वहां पर हम इसको कर लेंगे। फिर नेक्स्ट बेटा आ जाती है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज मतलब क्या है? जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एवरेज ले लें हम लोगों ने, जो औसत है ना वो बेटा लिखनी होती है यहां, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी ए वी के साथ, जो कि इक्वल होगा 8 RT/m। ये सी एवरेज, एवरेज जो वेलोसिटी होगी 8 RT/m हम लोग करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी मालूम की जा सकती। इसी एवरेज के बाद हमारे पास एक और आ जाती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अब मोस्ट प्रोबेबल मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा मानी जाने वाली, अंदाजा लगाई जाने वाली जो होती है ना वो मोस्ट प्रोबेबल कहलाती। जैसे हम लोग अगर ये बोले कि हम लोग ना क्लास में टेस्ट देते हैं केमिस्ट्री का, एक टेस्ट में हम लोगों के मार्क्स आए 45 out of 50, दूसरे में हमारे मार्क्स आए 46 out of 50, तीसरे में आए हमारे 44 out of 50, चौथे में फिर से आए हमारे 46, फिर आए 45, फिर आए 44, तो मींस क्या है प्रोबेबिलिटी हमारी मौजूदगी, चांसेस क्या है हमारे, चांसेस क्या है 45 के राउंड अबाउट के चांसेस है। अगर किसी कोई बंदा हमसे पूछ ले इसके मार्क्स कितने आते हैं तो हम लोग बोलेंगे कि 45 के राउंड अबाउट जो है ना इसके मार्क्स आ रहे हैं बेटा। तो वही चीज यहां पे प्रोबेबिलिटी के अंदर आएगी कि मोस्ट प्रोबेबल क्या होती है, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली इस पार्टिकल्स में सबसे दरमियानी जो है एवरेज वेलोसिटी जो है ना वो कितनी है, वो हम लोग यहां पे लिखेंगे CPRB के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इक्वल होगा 2 RT/m इसका स्क्वायर। ये सारी की सारी इक्वेशन ना हम लोगों ने आगे ड्राइव करनी है, ये दोनों ये और साथ में ये तीसरी, ये हम लोगों ने आगे ड्राइव करनी है इंशाल्लाह इसी इक्वेशन से ग्राहम साहब। ठीक है बेटा, ये सारे का सारा हमारा आ जाता है। इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी टाइप का तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।